ये देख लेते हैं कि फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिशन जो है कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार दे रखे हैं, पहला आता है पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन। यानी एक तो प्रोटीन की कमी का मुख्य जो कुपोषण है, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट यानी जो हमारे बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते पोषण हैं उनकी कमी से होने वाला जो कुपोषण है। तो पहले में आता है कवासीओरकर मरसमस, यानी पीईएम में आएगा कवासीओरकर मरसमस, दो प्रकार के कुपोषण आते हैं। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन है इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से VADD यानी विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आता है, जिसको हम लो डाइट्री इंटेक ऑफ विटामिन ए यानी विटामिन ए की कम जो मात्रा लेने से जो बच्चों में उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है या उनमें जो कमी आती है वो VADD में आएगी। दूसरा आता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यानी IDD, यानी बच्चे में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे IDD यानी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी कह देते हैं। तीसरा आता है IDA आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो यानी लोहे की कमी से जो एनीमिया बनता है उसे IDA आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है, जिसमें बच्चे के शरीर में लोहे की मात्रा सही नहीं पहुंच पाती और वो उसमें आता है कुपोषण या एनीमिया का शिकार आमतौर पे हो जाता है। तो मैंने इसमें फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन बताए, आगे इनको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। तो आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी माल न्यूट्रिशन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है अंडर न्यूट्रिशन, यानी कम मात्रा में जिसको न्यूट्रिशन या पोषण मिल पाता है। इसमें लो वेट फॉर एज यानी एज के मुताबिक लो वेट यानी कम वेट होता है, इसको अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन कह देते हैं, जिसमें बच्चा कम फूड खा पाता है और वो कमज़ोर रह जाता है। दूसरा आता है स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज यानी आयु के मुताबिक उसकी ऊंचाई जो है उतनी नहीं होती, इसे स्टंटिंग कह देते हैं, यानी वो छोटे कद का हो जाता है। ये भी माल न्यूट्रिशन का एक लंबे समय में अगर उसको माल न्यूट्रिशन मिला है या उसको पोषण सही नहीं मिला तो वो एक स्टंटिंग का शिकार हो जाता है। फिर आता है वास्टिंग यानी लो वेट फॉर हाइट, यानी उसका वजन कम हो जाता है उसकी ऊंचाई के मुताबिक, तो इसको वास्टिंग कह देते हैं। इसको शॉर्ट टर्म माल न्यूट्रिशन कह देते हैं, यानी कम शॉर्ट अवधि का या लघु समय का एक माल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें डाइट्री इंटेक कम होते हैं और वो जो है लो वेट फॉर हाइट यानी ऊंचाई के मुताबिक उसका वेट जो है कम रह जाता है, इसे फास्टिंग कह देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और पोषण का क्या महत्व है वो देख लेते हैं। पहला आता है हेल्थ, हेल्थ जो है हमारी फिजिकल मेंटल सोशल, तीन पार्ट आते हैं, शारीरिक विकास मानसिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जरूरी होती है स्वास्थ्य जो है। फिर आता है न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण जो है हमारे शरीर के सभी अंगों और उसके कार्यों के लिए जरूरी होता है। फिर आता है गुड न्यूट्रिशन यानी अच्छा पोषण, अच्छा पोषण जो है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाता है, उसमें असेंशियल न्यूट्रिएंट यानी उसमें सभी मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का अर्थ है पोषक पदार्थ, जो हमारे भोजन में उपलब्ध पोषक होते हैं उसे हम न्यूट्रिएंट भी कह देते हैं। फिर आता है सिक्स न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी के लिए छह मुख्य रूप से पोषक पदार्थ जरूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल जिसे खनिज पदार्थ कह देते हैं, और जल यानी वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ऊर्जा को पूरा करता है, ऊर्जा की मात्रा को पूरा करना जो है कार्बोहाइड्रेट का काम आता है, जो चावल गेहूं से मिलता है तो ऊर्जा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि ग्रोथ उसकी ऊंचाई लंबाई आदि के लिए, हड्डियों के लिए जरूरी होता है, मांसपेशियों के लिए भी जरूरी होता है। फैट हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करता है, हमारी त्वचा की रक्षा भी करता है, और ये स्टोर्ड एनर्जी है यानी फ्यूचर के लिए अगर स्टोर करते हैं तो फैट को स्टोर करते हैं। फिर आते हैं विटामिन, बेसिक पदार्थों को जो बेसिक पदार्थ हमारे खाने पीने में होने चाहिए वो विटामिन्स हैं, विटामिन हमारे शरीर के मुख्य कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। मिनरल बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में जरूरी होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन हमारे RBC के निर्माण के लिए जरूरी होता है। वाटर हमारे शरीर में तापमान को बैलेंस करता है, जल तापमान को बैलेंस करने का और रेगुलेशन वाटर रेगुलेशन जो है इसी से होता है। फिर आता है बैलेंस डाइट, एक संतुलित भोजन वो होता है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मौजूद हों।
फिर फूड का काम है, फूड हमारा सॉलिड लिक्विड हो सकता है, ये हमारे डाइजेशन में ज़रूरी होता है, नॉर्मल चीज़ है। हमारी शरीर की ग्रोथ जो है फूड पे डिपेंड करती है। हमें फूड जो है प्लांट से मिलता है या एनिमल सोर्सेज से मिलता है, पौधों से और मांस आदि से मिलता है। फूड ग्रुप होते हैं तीन, जैसे एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऐसे फूड, ऐसे खाद्यान्न जो हमें ऊर्जा देते हैं। दूसरे आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे शरीर के निर्माण से जुड़े होते हैं। और तीसरे आते हैं प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो तीन खाद्यान्न आएंगे, तीन फूड आएंगे, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का काम है रक्षा करना, बॉडी बिल्डिंग का काम है शरीर को बनाना, उसका निर्माण करना, और एनर्जी का काम है ऊर्जा की मात्रा को पहुंचाना। फिर आता है फूड रिक्वायरमेंट हर आयु के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए अलग अलग भी हो सकती है, हर बच्चे के लिए अलग अलग होती है। फिर आता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है जो मिलता है हमें सोर्सेज से, सेरल्स, मिलेट्स, रूट हो गया, ट्यूबर हो गया, पोटैटो, आलू आदि से, स्वीट पोटैटो से। फिर आता है ये शुगर और जैगरी आदि से भी हमें मिलता है। फंक्शन करता है एनर्जी, सप्लाई एनर्जी टू बॉडी, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा उपलब्ध कराता है। प्रोटीन हमें दूध आदि से, चीज़, कर्ड, ऑयल सीड आदि से, नट्स आदि से मिलता है, सोयाबीन आदि से मिलता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में आएगा, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी बॉडी की बिल्डिंग, शरीर के निर्माण, रिपेयर, शरीर के पुनर्निर्माण से जुड़ा होता है, टिश्यू, मसल आदि इससे चलते हैं। और ब्लड का निर्माण जो है प्रोटीन से ही होता है, आरबीसी जो है एक तरीके से ब्लड का ही पार्ट होता है। और हमारे शरीर में एंजाइम के निर्माण और एंटीबॉडी के निर्माण में भी प्रोटीन हेल्प करता है। आपको पता है एंटीबॉडी हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, एंजाइम हमारे भोजन आदि को पचाने में आते हैं, तो उसके निर्माण में भी प्रोटीन का योगदान आता है। फिर आता है फैट, मक्खन आदि में घी, वेजिटेबल ऑयल आदि में फैट होता है, जिसे वसा कहते हैं हम। तो वसा हमारे शरीर में सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का एक सोर्स है, स्रोत है। जो एसेंशियल फैटी एसिड, एक जरूरी जो फैटी एसिड होते हैं शरीर के लिए, उनको उपलब्ध कराता है, शरीर की रक्षा भी करता है ये। फिर आता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन जो है हमें फिश ऑयल से मिलते हैं, लीवर मिल्क आदि से, मिल्क प्रोडक्ट आदि से, येलो रेड फ्रूट आदि से, ग्रीन यानी हरे पत्तेदार फल सब्जियों आदि से हमें जो विटामिन या मिनरल मिलते हैं। अब इनका कार्य आता है कि ये जो है हेल्प कीपिंग द बॉडी हेल्थी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन मिनरल जो है ज़रूरी होते हैं। बाकी ICDS प्रोग्राम में हमारे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो दिए जाते हैं उनकी देखरेख रखी जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी या अदर न्यूट्रिशनल एनीमिया होते हैं उनकी रोकथाम भी की जाती है। बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग तो नॉर्मली है कि हम उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करके पता लगाएंगे कि बच्चों में क्या दिक्कत है। बाकी विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट आदि दी जाती हैं, जिसे IFA भी कह देते हैं। और विटामिन ए की कमी का आपने देख ही लिया था, VADD। सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है उनको, जो खाना पीना दिया जाता है उसमें 1/3 ऑफ कैलोरी, यानी कैलोरी और प्रोटीन उपलब्ध कराए जाते हैं 6 साल से कम के बच्चों के लिए। इसमें छोटे बच्चे हो गए, एडोलसेंस गर्ल्स होगी, गर्भवती महिलाएं और नर्सिंग मदर, ये जो है नॉर्मली होती हैं। सप्लीमेंट्री फूड जो है 300 दिन, यानी 300 दिन प्रोवाइड किया जाता है, और 6 दिन, 1 हफ्ते में 6 दिन प्रोवाइड किया जाता है, और 25 दिन 1 महीने में, यानी 1 महीने में 25 दिन, 1 हफ्ते में 6 दिन, और कुल साल में 300 दिन जो है सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है। इससे माल न्यूट्रिशन की समस्या दूर हो जाती है। तो आम तौर पे सप्लीमेंट्री फूड जो है स्पेशली जो है 3 साल से कम के बच्चों को अधिकतर इसमें देखरेख की जाती है। फिर 0 से 3 में 300 कैलोरी की मात्रा होती है, 10 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और 300 कैलोरी होना चाहिए। 3 से 6 साल के बच्चे के लिए 300 कैलोरी होता है और 10 ग्राम प्रोटीन, प्रोटीन का 10 ग्राम दोनों तरफ 10 ही रहेगा, और 3 से 6 में कैलोरी भी 300 रहेगी। फिर आता है जिनमें ज़्यादा कमी है, 6 महीने से 72 महीने के बच्चों में माल न्यूट्रिस्ट बच्चे होते हैं, उनमें 600, जो अति कमज़ोर बच्चे हैं उनको 600 कैलोरी चाहिए, और डबल यानी प्रोटीन भी डबल 20 हो जाएगा, 20 ग्राम, और कैलोरी भी 600 हो जाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर, एडोलसेंस गर्ल्स के लिए 500 कैलोरी, यानी लड़कियां जो किशोरावस्था में हैं, वो गर्भवती महिलाएं हैं, वो उनको 500 कैलोरी चाहिए, और प्रोटीन भी उनको 20 ग्राम नॉर्मली होना चाहिए। बाकी ये दे रखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट में, RDA होता है, एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होता है जिसको RDA कह देते हैं। ये रिकमेंडेड होता है डाइटरी यानी खान पान में,
अलाउंसेस, उसके तहत आरडीए दिया जाता है। इसमें 6 साल तक के कम के बच्चों के लिए दिया जाता है। इसमें ये स्पेशली होता है 80 ग्राम। 80 ग्राम ऐसा फूड होता है तो जो रेडी टू ईट यानी तैयार होता है, रेडीमेड खाना है। इसको आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के तहत दिया जाता है। आरडीए जो है 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए, और 50% ऑफ आरडीए जो है क्या दे रखा है वो इसमें दे रखा है। इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रखे हैं कि कैल्शियम 450 है, आयरन 15 है, आयोडीन 100 है, ये अलग अलग मात्रा है, जिंक की 10 है, विटामिन ए 400 दे रखा है एवरेज आरडीए। राइबोफ्लेविन विटामिन, राइबोफ्लेविन आता है 0.9 आता है, एस्कॉर्बिक एसिड सी आता है जो 40 है, फॉलिक एसिड जो आयरन आदि के लिए ज़रूरी होता है 35 दे रखा है, और विटामिन B12 ये 0 से 2 या 1 तक ये दिया जाता है। बाकी 50% ऑफ आरडीए में भी 225 आधा करके देंगे उसका 50%, 15 का 7.5, 100 का 50, सभी आधे हो जाएंगे ये। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है एवरेज आरडीए में 450 कैल्शियम था, आयरन 15 था, आयोडीन 100 था, जिंक 10, विटामिन ए 400, राइबोफ्लेविन 0.9, एस्कॉर्बिक एसिड 40, फॉलिक एसिड 35 और विटामिन B12 0.2 से 1% जो एवरेज आरडीए नॉर्मली बच्चों को दिया जाता है। फिर आता है जी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये भी एक गंभीर समस्या है छोटे बच्चों में, इसको PEM कह देते हैं, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण या पोषण की कमी होना। माल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, यानी जब प्रोटीन की ऊर्जा जो है बच्चे को नहीं मिल पाती, तो PEM जो है एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है जो बच्चों में हो जाता है। अगर PEM बच्चों में हो गया है तो उसका कारण है इनएडिक्वेट ग्रोथ, यानी उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, उनका उसका प्रभाव पड़ेगा फिर पुअर वेट, उनका जो वजन है वो नहीं बढ़ पाएगा, हाइट कम हो जाएगी, एनीमिया खून की कमी हो सकती है, और वो कोई भारी काम करने में असमर्थ हो जाएंगे। फिर आता है PEM के प्रकार। पहला आता है PEM में कवासियोरकर, या आमतौर पर आपको पता है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी आती है कवासियोरकर। तो कवासियोरकर में बच्चे का वेट जो है 60% लेस हो जाता है, यानी 60% कम वेट हो जाता है। तो इसको बच्चा शरीर में कमज़ोर हो जाएगा, हड्डियां शरीर उसका कमज़ोर हो जाता है, लो हाइट, हाइट छोटी रह जाती है, अपेथी हो जाती है, मून फेस चंद्रमा जैसा फेस हो जाता है, स्केंटी लस्टरलेस हेयर, उसके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, और ओडिमा ये जो है स्वेलिंग होती है लेग्स में, उनके उसकी टांगों में उसको दिक्कत होने लगती है, बाकी छोटी छोटी और समस्याएं हैं। तो कवासियोरकर PEM का एक प्रकार होता है। फिर आता है दूसरा प्रकार है मरसमस। तो मरसमस जो है ये भी एक PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का प्रकार आएगा। इसमें हेड यानी सिर बहुत डिस प्रोपोर्शनली, यानी एक प्रकार से सिर का प्रोपोर्शन हिल जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है, बालों का रंग भी बदल जाता है, लो हाइट, हाइट कम रह जाती है, वेट कम रह जाता है, 60% डाउन हो जाता है बच्चा, पिगमेंटेड यानी दानेदार उसका चेहरा हो जाता है, और मसल में मास, उसके मसल कमज़ोर हो जाते हैं, रिब्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी मरसमस एक प्रकार का PEM होता है जो बच्चों में आमतौर पे, ये बच्चों की फ़ोटो दी गई है, ये इन्हीं के शिकार हैं जो मरसमस और कवासियोरकर के शिकार हैं। बाकी इसमें PEM से कैसे बचाव हो सकता है, प्रेगनेंसी में औरतों को, महिलाओं को, उनको प्रॉपर नॉर्मल डाइट दी जानी चाहिए ताकि वो एक स्वस्थ स्वस्थ बच्चे का जन्म दें। उनको हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट आदि दिए जाने चाहिए। उनको प्रॉपर जो फॉलिक एसिड की टैबलेट होती हैं, आयरन IFA कहते हैं इसे, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, IFA टैबलेट जो है ये नॉर्मली दी जानी चाहिए, क्योंकि आयरन जो है एनीमिया की कमी होती है नॉर्मली प्रेग्नेंट महिलाओं में। तो अगर उनको IFA टैबलेट दी जाती हैं तो उनमें खून प्रॉपर बनता है। तो आमतौर पर कैल्शियम और आयरन दो ऐसी टैबलेट होती हैं जो गर्भवती महिलाओं को नॉर्मली दी जाती हैं। फिर आता है SN सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया जाना चाहिए जो एक्स्ट्रा उनको है। फिर जन्म से 6 महीने के बीच में बच्चों को उनको प्रॉपर जो है कैसे कैसे खाना देना है या उनको कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है वो ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर बच्चा जो है माँ पर निर्भर रहता है। 6 महीने से 1 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, विटामिन ए दिया जाता है उसे, फिर उसको प्रॉपर और डाइट भी देने लगते हैं। 2 से 6 में बहुत थोड़ा एक्टिव हो जाता है बच्चा। फिर आता है एक्टिव फीडिंग। यहाँ एक्टिव फीडिंग आती है यानी इंटरेक्टिंग विद चाइल्ड बाय इंकरेजिंग एंड हेल्पिंग, यानी बच्चे को इनकरेज करें,
और उसको कुछ सहायता दें हम, तो खुद भी खाने लगता है। एक्टिव फीडिंग यानी वो खुद खाने लगता है हिमसेल्फ। तो 2 साल का बच्चा आपको पता है थोड़ा सा समझ जाता है। तो फिर उसमें उसके रेगुलर हेल्थ चेकअप किए जाते हैं ताकि उसकी प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके उनकी ग्रोथ आदि को। बाकी एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं 11 से 18 में, उनको न्यूट्रिशन, उनका बैलेंस डाइट देखी जानी चाहिए ताकि उनको आयरन आदि प्रॉपर रूप से मिलता है, ये चीज़ चेक की जाती है। फिर आंगनवाड़ी सेंटर से संबंधित एक और चीज़ आती है, जैसे कफ, कोल्ड और एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी ARI। तो आमतौर पे भारत में बच्चों से संबंधित एक बहुत ही बड़ी बीमारी आती है ARI। तो बहुत बड़ा मेजर कॉज आता है बच्चों की डेथ का, मृत्यु का। तो एवरेज चिल्ड्रन यानी एक आमतौर पे एक बच्चा जो है 5 साल से अगर कम है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो ARI यानी एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकता है। तो सर्दी, जुकाम आदि या कफ खांसी आदि से, नाक चलने से, ये बीमारियां जो हैं इन्फेक्शन हो जाती है, दूसरे बच्चों को फैल जाती है, इससे दिक्कत हो सकती है। तो कफ कोल्ड भी बच्चों को आमतौर पर रहती है। तो इसमें दे रखा है कैसे उससे बचें, तो उनको कैसे ट्रीटमेंट दें, घर में कैसे सर्दी से बचाएं, होम ट्रीटमेंट होता है, घर में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, बच्चे को गर्म माहौल देना, कपड़े आदि, सेफ ड्रिंक, गर्म पानी आदि, ये चीज़ें दी जाती हैं। फिर आता है न्यूमोनिया, बच्चों को सर्दी लग जाती है न्यूमोनिया, तो उनको सांस लेने में फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो इससे संबंधित भी ट्रीटमेंट होता है। तो कोट्रीमोक्सीजोल ये दवाई का नाम दे रखा है, ये न्यूमोनिया में बच्चों को दी जाती है। ये मेडिसिन किट AWW जो है उनके द्वारा नहीं होती, ये ANM द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, यानी स्वास्थ्य जो नर्स होती हैं वो आमतौर पे इसको उपलब्ध कराती हैं। बाकी इसमें दे रखा है कि जब बच्चा 60 ब्रीथ यानी 60 ब्रीथ पर मिनट करता है तो उसको मापना है, 50 ब्रीथ करता है तब उसको मापना है, 40 ब्रीथ करता है तो उसको मापना होता है। बाकी प्रिवेंशन में ये दी जाती है बच्चों को निमोनिया आदि से बचाने के लिए। ये सभी बीमारियां जो हैं ARI में आती हैं। तो ये जो हैं आमतौर पे बीमारियां दे रखी हैं, सिवियर निमोनिया जो जटिल होता है, इसमें चेस्ट में बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसको असेस करना, असेसमेंट करनी और फिर उसका ट्रीटमेंट करना जो है। अगर बच्चा ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC में या हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। अगर उसको स्पेसिफिक डेंजर साइन यानी खतरे के निशान पर पहुँच जाता है तब उसको PHC में या हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो या पानी पीने में दिक्कत हो तब उसको फर्दर भेजा जाता है। फिर आता है पॉइंट टू रिमेंबर, असेसमेंट, क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ARI, यानी इनको कैसे असेस करना है, कैसे इनको क्लासिफाई करना है और फिर इनका ट्रीटमेंट। तो इसमें डेंजर साइन होते हैं, यानी ये देखना होता है कि बच्चे को कितनी लेवल तक की बीमारी है, कितना वो सही है, कितना उसमें बीमारी आ सकती है। तो ये असेस करना, डेंजर साइन को देखना होता है, कितना उसे सांस लेने में दिक्कत है, खाने पीने में क्या दिक्कत है, ये देखना होता है। तो अगर उसे डेंजर साइन से ऊपर जाता है तो PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है। अगर डेंजर साइन नहीं है तो उसे फिर नॉर्मल देख रेख में रखा जाता है। तो ये इसमें निमोनिया में भी या जो उनको सिवियर निमोनिया होता है उससे संबंधित जो है इसमें देखा जाता है। तो AWW यानी आंगनबाड़ी वर्कर जो है शुड रेफर द चाइल्ड विद कफ एंड कोल्ड एंड चेस्ट इन ड्रॉइंग और फास्ट ब्रीदिंग टू PHC या हॉस्पिटल, यानी AWW की जिम्मेवारी है। अगर बच्चा दिक्कत करता है या बच्चे के साथ सांस लेने में या सर्दी में दिक्कत होती है तो PHC में या हॉस्पिटल में एकदम से इमिडिएटली उसको भेजा जाना चाहिए। फिर आता है डायरिया, ये भी एक समस्या है बच्चों में। तो डायरिया से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं इसमें भी आता है कि बच्चों की पहचान करनी, फिर उनको डायसेंट्री हो चुकी है, फिर उनको अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो उनको फिर PHC में रेफ़र किया जाता है। तो कॉज ऑफ डायरिया दे रखा है डर्टी, इनहाइजेनिक या अनहाइजेनिक कंडीशन, अनसेफ वाटर से आमतौर पे होती है डायरिया, माल न्यूट्रिशन, अनहाइजेनिक फीडिंग प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग ऑफ स्पाइसी ग्रीसी फूड, बोटल फीडिंग आदि आदि से, या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी आमतौर पर डायरिया हो जाता है। फिर इसके डायरिया के साइन दे रखे हैं, ये भी AWW यानी आंगनबाड़ी वर्कर को आमतौर पर देखने होते हैं। बाकी डायरिया भी कई प्रकार का है, माइल्ड डायरिया है, मॉडरेट है, सवेयर है, यानी वो खतरे के निशान के हिसाब से इसको मापा जाता है। असेसमेंट डायरिया में उसकी आंखें, जनरल कंडीशन देख के, आंखें, थ्रस्ट, स्किन आदि को देखकर उसकी हालत का पता लगाया जाता है कि बच्चे को कितनी बीमारी जो है हुई है। फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज, यानी बहुत ही सूक्ष्म न्यूट्रिशन होते हैं जिनकी कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो वो देख लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ होते हैं विच आर रिक्वायर्ड
बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत कम मात्रा में शरीर को इनकी ज़रूरत होती है, पर अगर ये ना मिलें तो इनसे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो इनको माइक्रो न्यूट्रेंट या माइक्रो न्यूट्रेंट माल न्यूट्रिशन भी कह देते हैं। तो इसमें मेजर असेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं विटामिन में, विटामिन ए, बी, सी और डी, ये जो है आमतौर पे इसमें आते हैं। इसमें आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, क्लोरीन आदि भी ये काउंट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में शरीर को जरूरी होते हैं। इनकी कमी होने पर बच्चा जो है समस्याग्रस्त हो जाता है, बीमारी लगने के चांस रहते हैं, वो देख लेते हैं आगे। पहले आता है VADD, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी अगर बच्चे में विटामिन ए की कमी हो गई है तो उससे संबंधित बीमारी आती है विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इससे बच्चा अगर प्रभावित होता है तो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, विटामिन ए से फिर उसको और भी बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। तो विटामिन ए जो है असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारे खाने में होना चाहिए, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है आँखों के लिए। तो आता है क्वेश्चन कि आँखों के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है। विटामिन ए जो है आमतौर पे हमारी नॉर्मल विजन, हमारी आँखों के लिए सबसे ज़रूरी होता है विटामिन ए। बाकी हमारी बाकी की सपोर्ट में बोन्स, टीथ आदि के लिए भी ज़रूरी होता है, बाकी और ऑर्गन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए जो है हमें नॉर्मली ग्रीन एंड येलो फ्रूट, यानी हरे और पीले फलों सब्जियों में होता है ये, तो इसको दिया जाना चाहिए। फल सब्जियां जो हैं नॉर्मली इसमें दी जाती हैं। फिर दे रखा है कॉज एंड सिम्टम, यानी विटामिन ए की कमी में कैसे पता लगे और कैसे उसको ठीक करना है। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हुई है तो वो कैसे होती है, खान पान में विटामिन ए नहीं आता, फूड वेजिटेबल अगर ग्रहण नहीं करते बच्चे तब, या PEM एंड अदर न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, कोई और उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हुई है तब भी हो जाता है, पावर्टी गरीबी आदि के कारण भी हो जाता है। बाकी विटामिन ए की कमी को देखना जो है इससे पता लगेगा आंखों के रोग से, यानी जीरोफ्लैथमिया एक बीमारी दे रखी है इन्होंने। जीरोफ्लैथमिया जो है एक बीमारी होती है जो आंखों की कमी में या विटामिन ए की कमी से नॉर्मली आती है, इससे पता लग जाता है। जैसे जीरोफ्लैथमिया कवर ऑल ऑकुलर चेंज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात्रि अंधता होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड आता है कंजक्टिवल ज़ेरोसिस, ये भी आंखों की बीमारी आती है, कॉर्नियस सेरोसिस, ये भी बीमारी आती है। तो ये आंखों की बीमारी से पता लग जाता है कि ये रोग जो है बच्चों को हुआ है। तो आमतौर पे विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है ये, आंखों में दिक्कत आ जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए की कमी से होती है, कंजक्टिवल ज़ेरोसिस ये भी बीमारी होती है, किसी प्रकार की आंखों की बीमारी आएगी। ये बहुत छोटी छोटी दे रखी हैं, बिटॉट स्पॉट ये भी एक आंखों की बीमारी है, बिटॉट स्पॉट्स ये भी आंखों में होने वाला रोग है, छोटे बच्चों में होता होगा। फिर आता है कॉर्नियल जेरोसिस, ये भी कॉर्निया की बीमारी होती है, आंखों में कुछ दिक्कत हो जाती है। फिर आता है कैरेटोमेलेसियस, ये भी आंखों की बीमारी है। कैरेटोमेलेसियस जो है ये इमरजेंसी यानी एक खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चों की कॉर्निया बिकम सॉफ्ट, यानी कॉर्नियो में होती है, कॉर्निया में होती है जो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। बाकी विटामिन ए के ट्रीटमेंट को दूर करना, विटामिन ए की खुराक दी जाती है, इसमें मात्रा भी दे रखी है कि बच्चों को विटामिन ए दिया जाना चाहिए। और सिरप होते हैं विटामिन ए के, वो सिरप जो है 2 ml स्पून, यानी आमतौर पे 2 ml का एक स्पून जो है विटामिन ए का दिया जाना चाहिए। और ये जो है छोटे बच्चों को आमतौर पे होने के चांसेस रहते हैं, तो विटामिन ए की कमी जो है बच्चों में नहीं होनी चाहिए। फिर फर्दर उसको हरी सब्जियां, फल आदि खाने की सलाह जो है इसमें दी जाती है। फिर आता है बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दे रखा है कि बच्चों को किस प्रकार से उनका टीकाकरण दिया जाना चाहिए। पहला आता है BCG, जन्म के समय BCG का टीका लगता है, फिर ये जन्म के समय ही लगता है BCG का। फिर आता है DPT-HBV, DPT-HBV का टीका, पहला इंजेक्शन 1.5 महीने पे लगता है और 2.5 महीने पे सेकेंड इंजेक्शन, 3.5 पे तीसरा, और फिर 16 से 24 महीने में बूस्टर इंजेक्शन लगता है। फिर आता है OPV, यानी पोलियो ड्रॉप्स, ओरल पोलियो वैक्सीन कह देते हैं इसे। फर्स्ट डोज जो है वो 1.5 महीने के आसपास, दूसरी 2.5 महीने के आसपास, तीसरी 3.5, और 16 से 24 महीने के अंदर बूस्टर डोज जो है दी जाती है। फिर मीजल से बचाव के लिए टीका जो है, मीजल से बचाव का टीका लगता है 9.5 महीने बाद, यानी एक ही टीका लगेगा मीजल से बचाने के लिए 9.5 महीने के बाद। और DT का जो टीका लगता है वो लगता है हमारा एक ही लगेगा, ये 5 साल के बाद एक ही टीका लगेगा। बाकी टेटनस टॉक्सॉइड की
जो डोज होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, एक दो डोज है जो इनको नॉर्मली दी जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। बाकी जब भी ये टीके दिए जाते हैं उसमें क्या सावधानियां रखी जाती हैं, चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज राइट टाइम, यानी बच्चे को सही समय पर टीकाकरण मिलना चाहिए, समय आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर अगर गैप ऑफ 4-5 मंथ बिटवीन टू डोज, यानी दो जो डोज हैं उनके बीच में अगर 4 से 5 महीने का गैप हो गया है तो रिमेनिंग डोज जो है वो टाइमली दी जानी चाहिए और उसमें फर्दर डिले जो है नहीं होना चाहिए। फिर आता है प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, यानी डिलीवरी से संबंधित कुछ तैयारियां की जाती हैं ताकि महिलाओं की एक सेफ़ डिलीवरी हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर रखी जाती हैं, और जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो सेफ़ होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और ट्रेंड दाई यानी ANM द्वारा ये जो होता है डिलीवरी वो कराई जाती है। इसके लिए DDK यानी डिस्पोजल डिलीवरी किट होती है, DDK कहते हैं डिस्पोजल डिलीवरी किट, ये DDK जो है सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है हेल्थ सेंटर्स को। फिर इसमें आता है डिलीवरी एट होम, यानी अगर घर पे डिलीवरी होती है तो उसमें 5 क्लीन्स यानी 5 सफाइयाँ, 5 क्लीन्स रखी जाती हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी माँ और बच्चे को इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए 5 क्लीन्स आती हैं, जैसे क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड, क्लीन कॉर्ड और क्लीन कॉर्ड स्टम्प। ये 5 सफाइयाँ जो हैं आमतौर पर सेफ डिलीवरी के लिए की जाती हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ORS इससे संबंधित आ सकता है शायद। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है एक लाइफ सेविंग ड्रिंक होती है, इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल एजिस यानी सभी आयु के लिए जरूरी होती है, इंक्लूडिंग न्यू नेट्स यानी नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनसे संबंधित भी, या डायरिया से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें भी ORS का घोल जो है जरूरी होता है। ORS की फुल फॉर्म आ सकती है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है, ORS कह देते हैं। तो मे बी प्रॉपरली मिक्सड विद वाटर टू प्रिपेयर ए सोल्यूशन एंड गिवन टू चाइल्ड, यानी एक पानी में पूरे तौर पर घोल कर इसको बनाया जाना चाहिए और बच्चे को दिया जाता है। तो इसमें ORS को देने की तरीके दे रखे हैं, कैसे केयरफुली इसे घोलें और कैसे पानी में मिलाकर उसे बच्चे को पिलाएं। तो इसमें दे रखा है कि 4 महीने तक के बच्चे को 200 से 400 ml दिया जाता है, और 4 से 1 साल के बच्चे के लिए ये 400 से 700 ml होता है, और 1 से 2 साल के बच्चे के लिए ये 700 से 900 ml होता है, और जो बच्चा 2 से 5 साल तक का है उसमें ये 900 से 1400 ml तक का आता है। फिर आता है होममेड शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन, अगर नहीं है ORS तो घर में भी हम इजीली बना सकते हैं, जैसे साल्ट, नमक, चीनी, शुगर और वाटर को मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। फिर ORS से संबंधित दे रखा है कैसे दें, ये आराम से दें बच्चे को, थोड़ी थोड़ी देर में पिलाएं। ORS जो है एक लाइफ सेविंग ड्रिंक होती है जो बच्चे में ग्लूकोज की मात्रा को कम नहीं होने देती, पानी की मात्रा कम नहीं होती तो बच्चा ठीक रहता है। अगर बच्चे में पानी की मात्रा कम हो जाए तो इससे जो है उसको और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए ORS के घोल जो है आमतौर पे दिए जाते हैं। तो AWW यानी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए ORS सॉल्यूशन देना एक नेसेसरी होता है। ये ORS के पैकेट होते हैं जो आमतौर पे आंगनवाड़ी सेंटर में होते हैं, तो ये माताओं को उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इनको चेक करना चाहिए कि ये प्रॉपर रूप से उपलब्ध रहें और लोगों को मिले।